अभिनेता धर्मेंद्र की हेमा मालिनी के साथ शादी होने से पहले ही वो शादीशुदा थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें दो बेटे भी थे। फिर भी धर्मेंद्र ने जमाने की परवाह किए बिना हेमा से शादी की। ये पहली बार नहीं था कि जब धर्मेंद्र अपने को स्टार से प्यार कर बैठे। इसके पहले भी उनका नाम मीना कुमारी से जोड़ा जा चुका था और हेमा से शादी के बाद भी उनका नाम एक और एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया। वो एक्ट्रेस थी अनीता राज। 1983 में आई फिल्म नौकर बीवी का के सेट पर धर्मेंद्र अनीता से मिले। अनीता और धर्मेंद्र की दोस्ती हुई। अनीता को देखकर धर्मेंद्र उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस फिल्म ने धर्मेंद्र के करियर की डूबती नैया को संवारा। साथ ही दर्शकों को धर्मेंद्र और अनीता की जोड़ी काफी पसंद आई। फिर क्या, इस जोड़ी ने गुलामी, करिश्मा कुदरत का, जल जला जैसी एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। अनीता काफी बोल्ड और बिंदास थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को अनीता का ये बिंदास अंदाज पसंद आने लगा। वो मन ही मन अनीता को चाहने लगे। साथ ही धर्मेंद्र अनीता के साथ रहना पसंद करने लगे थे। जल्द ही ये खबर इंडस्ट्री में फैल गई और दोनों को लेकर इंडस्ट्री में चर्चाएं रंगने लगी। फिर क्या होना था, धर्मेंद्र पहले से ही दो शादी कर चुके थे। धर्मेंद्र के परिवार वालों ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इसलिए पारिवारिक विरोध के कारण धर्मेंद्र ने अनीता से दूरी बना ली।